हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेकर हाजिर हूँ, जिसके अंदर जाली भी है और केबल भी है। ये 4K मल्टीपल्स में इसमें स्टिचेस का यूज़ करेंगे, प्लस 3 का ऐड करेंगे। देखिए, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्टिचेस डाली हैं, मीन्स 36 होनी चाहिए, प्लस हमने 3 का ऐड किया है। ये टोटल डिज़ाइन जो है हमारी 39 स्टिचेस में हुई है। उसी के हिसाब से आपको अपने स्टीचेस डालने होंगे, जितने आपके स्वेटर्स में जरूरी हो प्लस 3 का ऐड कीजिएगा। हम आपको फर्स्ट रो से डिजाइन बनाना बताते हैं। इस डिजाइन के ऊपर जो स्टार्ट होगा वो फर्स्ट रो से स्टार्ट होगा। आप पहले फंदे डाल दीजिएगा और फिर एक लाइन बीनते हुए राइट साइड में आइए, राइट साइड से स्टार्ट कीजिए डिजाइन बनाना। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक फंदा मैंने उतारा है, दूसरा फंदा हम उल्टा बीनेंगे, फिर 3 फंदे को हम सीधा बीनेंगे, फिर एक फंदा हम उल्टा बीनेंगे। 3 फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बीनते हुए हम पूरी पंक्ति पूरी करेंगे। 3 फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। एक फंदा उतार लेंगे हम, उसके बाद एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा। इस तरह करते हुए हम अपनी पंक्ति को पूरा करेंगे। और अब मैं आपको थर्ड रो में बताऊंगी। ये 4 रोज डिजाइन है। साइड का फंदा मैंने उतार दिया है और अब मैं एक उल्टा बीन लूंगी। उल्टा बीनने के बाद थ्रेड मैंने पीछे कर दिया। देखिए, 1 2 3। अब ये जो पहला वाला फंदा है, इन 2 फंदों पर से, सीधे वाले पर से मैं गिरा दूंगी। गिराने के बाद हम इन दोनों को फिर से बीन लेंगे सीधा ही, 1 2। और अब मैं क्या करूंगी, उल्टे फंदे को बीनूंगी। 3 के 2 हो गए हैं, पर आप चिंता नहीं करिए, पीछे जब हम आएंगे तब एक फंदे को जाली से बढ़ा लेंगे। 3 का 2 करेंगे, 2 करने के बाद इन फंदों को हम बीन लेंगे। पूरी सिलाई आपको ऐसे ही करनी है, एक उल्टा बीनेंगे और 3 फंदों को हम दूसरी सिलाई में लेंगे और इसमें से पलट देंगे और इन 2 फंदों को फिर पीछे वाली में लेकर 2 को बीन लेंगे। ऐसे ही फुल रो हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 4th रो में हम जाली बनाएंगे इन 2 फंदों के बीच में। 3 पलटे, 2 को बीन। एक फंदा हमने उतार लिया है, दूसरा फंदा हम सीधा बीनेंगे और तीसरा फंदा हमें उल्टा बीनना है। उल्टा बीनने के बाद इन 2 फंदों के बीच हमें जाली बनाना है। जाली आप या तो थ्रेड को पीछे करके बनाइए या इसके ऊपर से घुमा लीजिए। मैंने कभी कभी आपको बताया है कि थ्रेड आगे पीछे करके जाली बन जाएगी, और ये दूसरा तरीका बता रही हूँ आपको। फिर ये हमने उल्टा बीना और इसके ऊपर से एक बार थ्रेड को घुमा लिया, फिर हमने उल्टा बीन लिया। देखिए, फिर सीधा बीने हम, फिर हमने उल्टा बीना और थ्रेड एक बार घुमा लिया सिलाई पर से और फिर उल्टा बीन दिए, फिर सीधा बीना, फिर हम थ्रेड को आगे किए, उल्टा बीने और एक बार ऐसे लपेट दिया मैंने जाली के लिए, फिर हम उल्टा बीन दिए। ऐसे बीनते हुए हम पंक्ति पूरी करें। एक फंदे को मैंने उतार लिया और अब हम राइट साइड में 5th रो में आ गए हैं। उसके बाद देखिए, हम एक फंदा थ्रेड आगे करेंगे, उल्टा बीनेंगे और थ्रेड पीछे करेंगे। जाली वाले फंदे को भी आप सीधा बीनेंगे, जो पहले कम हुआ था जाली से वो फंदा बढ़ गया है और देखिए बीच में जाली आ गई है। फिर हम उल्टा बीनेंगे, फिर हम इन 3 फंदों को सीधा बीनेंगे, जो जाली वाले हैं उसको और बाकी 2 फंदों को, फिर इसे उल्टा बीनेंगे और 3 फंदों को सीधा बीनेंगे। इस तरह करते हुए हम अपनी डिज़ाइन को पूरी करेंगे। ये डिज़ाइन पूरी 4 पंक्तियों में हो जाती है।
दो में हम प्लेन सीधा उल्टा बीनते हैं और एक में हम फंदा घटाते हैं, दूसरे में हम फंदा बढ़ाते हैं। टोटल इसमें 4 रोज बनती हैं। मैंने अपनी खूबसूरत सी डिज़ाइन कंप्लीट कर दी है। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्रिएशन के साथ फिर मिलूंगी। थैंक यू।